ये देखिए, ये दूसरा नज़ारा है जो कल रात को तूफान आया था, उसने यहाँ पर कितना ज़्यादा आतंक जंगल में मचाया है, इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण आपको सामने देखने मिल रहा है। कि ये देखिए, ये कैसे बिजली के सब खंभे मैं तार के उखड़ के गिर गए हैं तूफान के कारण। ये अंदर देखिए, सब डिगाले और झाड़ ऐसे छांटे गए हैं जैसे किसी ने जानबूझकर छांटा है। देखिए ये अंदर का भी नज़ारा देखिए, ये वो जड़ से वृक्ष उखड़ उखड़ के गिर गए हैं। ये देखिए, ये भैया भैया, ये देखिए, ये वृक्ष पूरे के पूरे वृक्ष ऐसे हो गए हैं जैसे किसी ने जानबूझकर इनकी ट्रिमिंग की है। ये देखिए, ये खंभे मैं तार के उखड़ के नीचे गिर गए हैं। और इस प्रकार से जो भयानकता है इस तूफान की, वो आप यहाँ देख सकते हैं कि पूरे जंगल में किस तरह से आतंक मचाया है इस तूफान ने। तो कल शाम को 7:10 पर दिनांक 12/6/2018 को जो तूफान मोर्चा के जंगलों में आया था, उसका एक नज़ारा आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। ये देखिए, बीच से ऊपर से जड़ों से उखाड़ उखाड़ कर झाड़ों को ऐसा गिराया गया है जैसे किसी ने मदमस्त हाथी या कोई प्रचंड बहुत बड़ा विनाश आने के पूर्व जैसी अवस्था होती है, वो अवस्था आपको यहाँ दिखाई दे रही है। देखिए ये झाड़ भी कैसे गिरे हैं, ये पूरी जड़ों से उखड़ उखड़ के झाड़ गिर गए हैं। और इस प्रकार से इसकी जो प्रचंडता है, इसकी जो तीव्रता है, उसका आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि कितना तेज़ तूफान आया होगा कि बड़े बड़े वृक्ष बिल्कुल तिनके के समान उखड़ कर गिर गए हैं। ये देखिए, ये वृक्ष पूरा का पूरा उखड़ के, मैं जड़ के और उखड़ के गिर गया है। तो ये विगत 11 वर्षों के इतिहास में इस प्रकार कभी देखने नहीं मिला था कि इतना भयानक तूफान आ सकता है। ये देखिए, ये जड़ से उखड़ के पूरा झाड़, वो अंदर की तरफ देखिए कैसे टूटे हुए हैं, ये पूरे बिखरे हुए झाड़ हैं। ये देखिए, ये बिछ गया है जंगल, जिसको कहते हैं जैसे ये जंगल बिछ गया है। इस प्रकार से ये जो विनाश तूफान के रूप में आया था, वो आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। ये तो एक छोटे से क्षेत्र है, जहाँ तक हम आ सकते हैं वहाँ तक का हमने ये वीडियो लिया है। बाकी अंदर जंगल में क्या स्थिति हुई होगी, ये आप स्वयं देख सकते हैं। ये देखिए, ये इतने बड़े बड़े वृक्ष बिल्कुल ऐसे उखड़ गए हैं जैसे तिनका उखड़ता है। तो इससे आपको जो तूफान की तीव्रता का पता लग रहा होगा कि कितना तीव्र तूफान आया होगा। हरे कृष्णा।